है जी जी सर। सर जी सर लिख अब लीजिए। ये जो अविकारी शब्द मैंने बताया है आपको, यही अविकारी आगे चल करके अव्यय रूप में परिवर्तित होता है, या अविकारी शब्द अव्यय को भी कहा जाता है। अब अव्यय की कुछ खास विशेषताएं हम जान लेते हैं। मिटाऊ मैं इसको, लिख चुके हैं जी जी नंबर वा दीपक के, दीपक के नंबर वा ठीक है। अब आप लोग लिख आपका आवाज कट रहा है सर। बोर्ड ब्लर है सर, वीडियो भी स्टक हो जा रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, वीडियो भी नहीं आ रही है। वीडियो नहीं आ रही है अभी? ठीक है जी, ठीक है अभी सर। आवाज अभी ठीक है लेकिन आवाज ब्लर है। आवाज हाँ सर वो हो रहा है। हाँ आवाज अब आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि हर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। इसका मतलब अव्यय और क्रिया विशेषण एक है, थोड़ा सा अंतर होता है। हर क्रिया विशेषण अव्यय होता है, लेकिन हर अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होता है। ये लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे का सूत्र मैं आपको बताऊंगा। लिख लिया सर? एक सर, मैंने कहा यहां लिखा है हर क्रिया विशेषण अव्यय है। हर क्रिया विशेषण अव्यय होता है, लेकिन हर अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होता है। हर अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होता है, ये सूत्र लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब ध्यान ये देना है, जैसे कुछ लोग प्र विशेषण भी एक नाम लेते हैं, सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? प्र विशेषण क्या होता है? प्र विशेषण को ही हम अव्यय कहते हैं, या ये कह लीजिए मॉडर्न जो है, मॉडर्न व्याकरण, मॉडर्न हिंदी व्याकरण में लोगों ने प्र विशेषण इसका नाम दिया है। इसका मतलब है कि अव्यय क्या होता है, क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताए। लिख लीजिए, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। देख पा रहे हैं मैंने क्या लिखा है? क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द अव्यय होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इस प्रकार से जो मैं सूत्र बता रहा था आपको, मैंने आपको लिखा था अव्यय, मैंने आपको बताया ना हर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अव्यय अगर किसी क्रिया के आगे लगा हो, इससे मैंने लिखा अव्यय प्लस क्रिया, तो ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। लेकिन अगर आप अव्यय अव्यय के साथ कोई विशेष, क्रिया भी हो, तो वह क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो, फिर कट कट के आ रही है सर, बोर्ड भी ब्लर है, जा रहा है। कट करो। अच्छा मैं री लॉग इन करता हूँ फिर एक बार। हाँ अभी बोर्ड साफ हुआ है, बोर्ड क्लियर है? मैं री लॉग इन करता हूँ। बोर्ड साफ, बोर्ड तो बोर्ड क्लियर है सर, आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलिए, देख पा रहे हैं आप लोग मुझे? जी सर। हेलो, जी सर, जी सर। चलिए अब बोर्ड दिख रहा है? यस सर, जी सर, जी सर। साफ है? साफ है जी सर, जी सर। हाँ ठीक है, देखिए ठीक है।
चलिए मैं जो सूत्र आपको बता रहा था, अव्यय और क्रिया एक साथ हो तो वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा, और अव्यय के साथ विशेषण हो और साथ में क्रिया हो तो वह शब्द अव्यय कहलाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? मैं अभी तक जो आपको अव्यय बताने का प्रयास कर रहा था, अव्यय का एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको दिया है। सर वी जो लिखे वो विशेषण है, अव्यय प्लस विशेषण। हाँ, अव्यय प्लस विशेषण उसके बाद क्रिया है, तो ये जो पहला वाला शब्द है वह क्रिया विशेषण है। इस सूत्र को आप लोग ध्यान से लिख लीजिए। मिटाओ ऊपर वाला। जी सर। ठीक है, ये सूत्र लिख लीजिए। मैं एक मिनट थोड़ा सा आ रहा हूं। हाँ, कुछ लोग चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अव्यय को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं मैं, यहां तक स्पष्ट हो पाया? ठीक है, अब देखिए अव्यय के छह भेद होते हैं, लिख लीजिए। ये प्रश्न अव्यय की पहचान के लिए जरूरी है। अव्यय के छह भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहला भेद है, उसको बोलते हैं परिमाणवाचक। लिख लीजिए, परिमाणवाचक। ये विशेषण में भी आया था, शायद आया था क्या? जी सर। सबसे पहला भेद है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है उसमें क्वांटिटी, अंग्रेजी में आप कहेंगे, जैसे बहुत, कम या थोड़ा, खूब, जैसे बहुत खूब। ये जो शब्द है परिमाणवाचक का, इसमें आएगा बहुत, कम, थोड़ा और खूब। ये जो शब्द हैं ये परिमाणवाचक में आते हैं। लिख लीजिए, जैसे अगर उदाहरण मैं दूं, वह बहुत सुशील है। देख पा रहे हैं मैंने जो लिखा है? वह बहुत सुशील है। इसमें ये जो सुशील शब्द मैंने लिखा है, सुशील क्या है? सुशील विशेषण है, और इस विशेषण की जो विशेषता बताए बहुत, ये हो गया आपका परिमाणवाचक अव्यय। या फिर दूसरा लिखूं, वह बहुत अधिक सुंदर है। अब देखिए, यहां बहुत का प्रयोग हुआ, अधिक का प्रयोग हुआ और सुंदर, सुंदर विशेषण है, इसके साथ में बहुत और अधिक जो शब्द लगा वह आप कह सकते हैं अव्यय है। सर कौन सा अव्यय है? हाँ बोलिए। सर बहुत अधिक, बहुत का मतलब तो अधिक हो ही गया है, तो हाँ उसके साथ थोड़ा सा और जोड़ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग लिखते हैं। सर जैसे एरर में अगर आएगा बहुत अधिक, जैसे आप लिखें तो एरर में गलत है, एरर फाइंडिंग में गलत है, लेकिन वैसे लोग लिखते हैं, ठीक है ना, वह बहुत अधिक सुंदर है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। जी सर। तो इसके बाद दूसरा उदाहरण। हाँ बोलिए। बहुत अधिक तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बहुत परिमाण, बहुत अधिक जो है वो अव्यय है, परिमाणवाचक अव्यय है। ठीक है सर।
ठीक है, चलिए। परिमाणवाचक के बाद जो दूसरा आता है वह है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आप लोगों को पता है, प्रश्न का मतलब है क्या, क्या का प्रयोग होता है ना, और क्या प्रश्न करते हैं, कौन, कहां, क्यों, नहीं नहीं क्या और क्यों, बस कौन में तो सर्वनाम आ जाएगा, क्या और क्यों अगर पूछा जाए तो यह प्रश्नवाचक है। कहां नहीं कर सकते हैं सर, कहां तो स्थान हो जाएगा ना, स्थानवाचक तो संज्ञा में आ जाएगा। ओके सर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्या वह स्वस्थ है, मैं कहूं क्या वह स्वस्थ है, ये हम प्रश्न करते हैं, तो यहां ये जो क्या हो गया ये प्रश्नवाचक विशेषण, अब प्रश्नवाचक अव्यय का रूप है। जैसे मैं कहूं कि तुम क्यों पढ़ती हो, नौकरी पाने, क्या हो गया, नौकरी पाने के लिए, वेरी गुड। हाँ ठीक है, ये जो क्यों शब्द है ये क्या है, प्रश्नवाचक अव्यय है। बहुत आसान है लेकिन यहीं से आपका मूल व्याकरण का पाठ शुरू हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है, मिटाऊं आगे? जी सर, जी सर, ठीक है। मैंने दो बताया, परिमाणवाचक और प्रश्नवाचक। अब अगला जो है यह है विस्मयादिबोधक। विस्मयादि मतलब विस्मय जहां होता है, विस्मयादिबोधक विस्मय देता है, इसमें क्या होता है, हर्ष, शोक, आश्चर्य, और क्या होगा विस्मय में, और क्या आता है, ये विस्मय आप लोगों ने आगे भी पढ़ा था, हर्ष, शोक, आश्चर्य, अनुमोदन, तिरस्कार और संबोधन, ये विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं। जैसे मान लीजिए हर्ष में क्या होगा, वाह वाह क्या बात है, सुना है आप लोगों ने, जी सर, जी सर, वाह तुम पास कर गई, वाह शाबाश, इस तरह के जो शब्द हैं ये हर्षवाचक में आते हैं। हर्षवाचक विस्मयादि बोधक, तिरस्कार, तिरस्कार का ही ले लीजिए, तिरस्कार का मतलब होता है छी छी छी, आता है ना, ये छी में क्या लगाते हैं, ह लगाते हैं, ये संस्कृत का है और इसमें विसर्ग नहीं है तो हिंदी वाला ये होगा छी। हर्ष के बाद तिरस्कार, शोक में क्या आता है, आह उह आ आउच, आयोडेक्स का प्रचार आता है ना, ओह आह, इस तरह के जो शब्द हैं वो शोक में आते हैं। मिटाऊं, ये लिख लिया आप लोगों ने, जी सर, ठीक है। इसके हाँ। बाद, इसके बाद आता है हर्ष हो गया, तिरस्कार हो गया, शोक हो गया, अब आश्चर्य में जाते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा है आपको आशा नहीं कि कभी पास करेगा, अचानक खबर मिलती है कि पास कर गया, आप बोलते ना है पास कर गया, ठीक है, ऐ ओहो, ओहो बोलते हैं ना, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, इस तरह के जो चिन्ह होते हैं ये आश्चर्यवाचक में आते हैं। ठीक है, आश्चर्य के बाद अनुमोदन, अनुमोदन में क्या होता है, ठीक है, भोजपुरी गाना एक चला हुआ है, ठीक है, सुना आप लोगों ने, नहीं सुना, हाँ चलिए ठीक है, तो वो प्रश्न करता है, ठीक है, लेकिन यहां अनुमोदन दे रहा है। इस पे मैंने एक जोक सुना था कि एक आदमी को टीटी पकड़ लेता है, तो आदमी बोलता है कि मैं जाऊंगा और आप लोगों के लिए चाय लाता हूं, तो चाय की दुकान में जाके बोलता है कि भाई टीटी को मैं तुमसे बेच रहा हूं, तो बोला कितने में, बोला 5,000 रुपए में, तो टीटी से अनुमोदन लेना था, हाँ टीटी साहब एक ना, तो बोलता है हाँ हाँ, इसका मतलब वो अनुमोदन ले दिया और टीटी साहब को उसने बेच दिया। एक ऐसे जोक चलता था कभी, तो ये अनुमोदन में ठीक है बोलते हैं ना, ये जो ठीक शब्द है ये अनुमोदन में आता है। उसके बाद अगर आप देखें तो अनुमोदन का हाँ हाँ होता है ना, हाँ हो कुछ लोग कहते हैं,
और अच्छा कहते हैं। पीछे चलोगे? अच्छा चलो। हो शायद मराठी में बोलते हैं। सनवा साहब जी सर, हो जी, हो बोलते हैं ना, हो मतलब वो अनुमोदन देते हैं, मतलब अनुमोदन मतलब सहमति, सहमति देना, अप्रूवल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर अगला आता है संबोधन। ये मैं अक्सर बताता हूँ संबोधन में, संबोधन में ए जी ओ जी तो चलता ही है, हाँ, रे, अरे, ओ जी महिलाएं ज्यादा करती हैं, मैं बताया था, अरे, फिर री, ये अवधि भाषा में री का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अरी, अरी, अरी सखियों महिलाएं ज्यादा प्रयोग करती हैं। क्या बोलते हैं सर? किसी को इंडिकेट करने के लिए बोला जाता है ना। हाँ, अरे सखियों, हाँ, आओ आओ मेरी सखियों, गाना सुना है ना तुझे, कुछ इस तरह का गाना है, भजन आता है, तो इसमें जो अरी शब्द है ये अक्सर अवधी भाषा में भी और अरी का प्रयोग होता है। और रे का प्रयोग पंजाबी करते हैं, रे छोरे हरियाणा करते हैं, जा है, इस तरह से बोलते हैं जो शब्द, तो ये रे का मतलब संबोधन होता है, ठीक है। हे भाई, भाई का प्रयोग कर दे। नीचे करूं स्क्रीन और नहीं दिख रहा है सर, नीचे का बोर्ड। हाँ एक मिनट, नीचे कर रहा हूँ स्क्रीन, अभी दिखा दिखा नहीं दिखा जी सर? आप दिखा सर, ठीक है। अब वो उनकी राज कपूर साहब के किसी फिल्म का गाना है, हे भाई जरा देख के चलो, तो ये जो भाई है इसको भाई नहीं लिखते, ध्यान देंगे, भ और छोटी, भ और क्या है, छोटी बड़ी, बड़ी लिखते हैं, हाँ हाँ, भ और बड़ी, छोटी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। ये विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा अव्यय हो गया? मैंने आपको तीन बता दिया, परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक। क्लियर है? मेरा चेहरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ऐसा तो नहीं सिर कट जा रहा है? सिर नहीं कट रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक के बाद अगला जो है उसे बोलते हैं समुच्चय बोधक। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? स मू आधा च पूरा च, कंजंक्शन, वेरी गुड। समुच्चय, समुच्चय बोधक, इसको योजक भी बोलते हैं, कंजंक्शन मतलब जोड़ रहा है ना, योजक भी बोलते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? ये कभी शब्दों को वाक्यों से जोड़ता है, शब्दों को वाक्य से जोड़ता है, या फिर वाक्य को वाक्य से जोड़ता है, दोनों काम करता है। ये लिख लीजिए, अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है। शब्दों को वाक्य से जोड़ता है या फिर वाक्य को वाक्य से जोड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े, ये फिर आगे दो तरह का होता है। एक होता है समानाधिकरण, ये पूछा जाता है, समानाधिकरण, और दूसरा होता है व्यधिकरण। समानाधिकरण और दूसरा होता है व्यधिकरण, ये समुच्चय बोधक का ही पहचान है, ठीक है, क्लियर है जी सर। क्या मैंने बोला, एक है समुच्चय बोधक, दो तरह का होता है, एक है समानाधिकरण, एक मिनट कैमरा थोड़ा हिल गया, एक है समानाधिकरण और ये है व्यधिकरण, ठीक है, दो तरह का ये समुच्चय बोधक होता है। तो ये समानाधिकरण क्या है सर? हाँ, समुच्चय बोधक के भेद है, दो तरह के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। क्लियर है? आगे बढ़े, ये लिख लिया आप लोगों ने ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समानाधिकरण के बारे में जानते हैं। समानाधिकरण क्या है? समानाधिकरण में क्या होता है?
एक ही प्रकार के शब्द जोड़े जाते हैं, एक ही प्रकार के शब्द जुड़ते हैं। उदाहरण आप में से कोई बताएगा? समाना बोलिए, आप लोग शांत हो गए हैं, क्या बात है? जैसे झटपट नहीं 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 ये झटपट जोड़ता नहीं है ना। चलिए फिर मैं आगे बताता हूँ, मैं बताता हूँ। समानाधिकरण फिर दो तरह का हो जाता है, एक होता है संयोजक और एक होता है विभाजक। लिखते चलिएगा बाद में, जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आज कंप्यूटर पे नहीं हूं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं दे पाऊंगा। समानाधिकरण दो प्रकार का होता है, एक ही प्रकार के शब्द जिसमें जोड़े जाते हैं, संयोजक और विभाजक। संयोजक में क्या आता है? और कंजंक्शन आप लोग कह रहे थे ना, एंड बट ये आता है ना, और एवं और as well as along with, और एवं तथा, हिंदी से पढ़ते हैं, और एवं तथा, ये संयोजक में आते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मुझे लिखना हो, लिखिए, मैं एक मिनट फिर बता रहा हूं। सर स्टॉप हो गया वीडियो, सर आ रहे हैं अभी, वेट कीजिए, आ रहे हैं सर। लिख लिया आप लोगों ने, संयोजक और विभाजक। संयोजक में आ गया और एवं तथा। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना हो राजा और रंक, लिखा जाता है ना राजा और रंक, तो एक शब्द संज्ञा शब्द को दूसरे संज्ञा शब्द से जोड़ रहा है, ये क्या है? और जोड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे राधा एवं श्याम, राधा एवं श्याम, एवं और, या राधा तथा श्याम, पुस्तक तथा। अब इसका प्रयोग फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा। यहां स्पष्ट कर पाया मैं आपको? संयोजक स्पष्ट हुआ? ठीक है जी। संयोजक के बाद आता है विभाजक। विभाजक में क्या आएगा? या संयोजक मतलब दो को जोड़ना। अब विभाजक में चलते हैं, विभाजक में चलता है मतलब कोई एक। विभाजक में जैसे आता है या, मैं बोलूं राम या श्याम, सीता या गीता, रश्मि या फिर रथी, क्लियर है? अब या के बाद अथवा, दो में तुम्हें क्या चाहिए? कलम या की तलवार, सुना होगा ना आप लोगों ने, दो में तुम्हें क्या चाहिए? कलम या की तलवार, राम अथवा श्याम, कोई एक आए तो इसमें विभाजक में होता है या के बाद अथवा, अथवा के बाद नहीं तो राम, नहीं तो श्याम, कोई तो आए, नहीं तो के बाद आगे आता है चाहे, दो बार चाहे, चाहे चाहे, कैसे इसका? चाहे राम ले लो, चाहे श्याम ले लो, ठीक है? ठीक है, चाहे चाहे, चाहे राम बन के, चाहे श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, वो कहा गया है ना। तो यहां चाहे चाहे मतलब राम बनो या श्याम, दोनों को अलग किया जा रहा है, दोनों को जोड़ा नहीं जा रहा है। चाहे चाहे के बाद फिर आता है क्या क्या, क्या क्या, इसके लिए एक अच्छा सा गाना है, क्या क्या न जुल्म सहे आपकी खातिर, किसी फिल्म का गाना है, या क्या क्या चाहते हो, इस तरह का आप प्रयोग कर सकते हैं। किस फिल्म का गाना है सनवा साहब? क्या से क्या हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद नौ नौ, इसको वो नन्ना मेरी बेरी के तौर नहीं आएगा इसमें, नौ नौ मतलब दो बार नौ का प्रयोग करते, हाँ ना भी है, निगेटिव भी है नाना, लेकिन ये नौ ना है, न राम न श्याम, जैसे हम लिखेंगे न गीता न सीता, ये तो कोई और है, न गीता न सीता, न बेटा न बेटी, कोई नहीं आया मिलने, ये होता है आपका
विभाजक का प्रारूप। यहां तक कितनी बात समझ आई आप लोगों को? बताइए, यहां तक चीजें समझ हो पाई कि नहीं हो पाई? जी सर। सर वीडियो चला गया। हेलो सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर, अभी नहीं आया है, वेट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर, अभी आ रही है। अरे इसके पहले नहीं आ रही थी मैं जो बोल रहा था? नहीं सर, पांच मिनट कट हो गया, पांच मिनट तक हो गया था, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, मैंने ये कहा कि क्या बोल रही है अंशु? हाँ, मैं बाद में लेफ्ट हुआ जब आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही थी। देखिए, मैंने अव्यय के बारे में जो कुछ बताया इसके ऊपर फिर हम अगले दिन और आगे चर्चा करेंगे। दीपक सर आज की क्लास लेने वाले थे लेकिन थोड़ी एक इमरजेंसी हो गई तो उनको जाना पड़ा, तो मैं फिर आया। संभव है कि कल दीपक सर ने या फिर मैं ले सकता हूँ। कल मैं आपको टास्क देता हूँ, फ्यूचर ऑफ डिजिटल करेंसी, इसके ऊपर 100 वर्ड्स में आप लोग एक पैसेज लिख के रखेंगे, उसे शेयर करेंगे टाइप करके, इंग्लिश में लिखेंगे, टाइप नहीं कर पाए तो फोटो आप देख सकते हैं। क्लियर है? क्या सर टॉपिक क्या है? सर पॉइंट फ्यूचर ऑफ डिजिटल करेंसी, देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है फ्यूचर ऑफ डिजिटल करेंसी। ठीक है सर। ठीक है, इसके ऊपर टॉपिक लिख के आप लोग ऐसा करेंगे जी, मिनिमम 100, मैक्सिमम थोड़ा बहुत बढ़ा लीजिए चलेगा, 200 से अधिक नहीं होना चाहिए। ओनली इन हिंदी या इंग्लिश?
इंग्लिश में फ्यूचर ऑफ डिजिटल करेंसी इंग्लिश में पिछले 5-6 दिनों से अखबारों में पूरी चर्चा हो रही है। ठीक है, चलिए फिर विदा लेते हैं, कल की चर्चा फिर कल करेंगे। आप सबको जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। गुड नाइट। जय हिंद सर। क्लास ऑफ हो गया क्या? हाँ हेलो, 7 बजे से क्लास था। क्लास खत्म हो गई।